saiyo. Renu, मुझे माफ कर दो रेनू, मैंने पति का फर्ज आज तक नहीं निभाया, फिर भी तुम मेरे साथ रही। काशीनाथ, जिंदगी बहुत लंबी होती है, जो आज तक नहीं कर पाए उसकी भरपाई करने के कई अवसर तुम्हें भविष्य में मिलेंगे। साईं, इनका ठीक होकर घर वापस आना, मुझे तो ये चमत्कार ही लग रहा है। रेनू, जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है प्यार। प्यार से कुछ भी संभव है, ये हमेशा याद रखना, तभी भविष्य में सभी परेशानियों से उभर पाओगे। काशीनाथ, ये तो कुलकर्णी सरकार की आवाज है। तात्या, मेरा एक काम करोगे? जरूर साईं। सरकार, हरिओम हरिओम। यो फकीर, छुड़ा दे इसकी लत। हाँ सरकार, मैं अभी कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो आपसे कर्जा लिया है वो दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। बहुत बढ़िया है, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। शराबी की लत कभी छूटी है काशीनाथ? केवल असंभव। आज नहीं तो कल तू शराब की लत में डूब जाएगा। और जहां तक मेरे पैसों की बात है, वो तो मैं आज ही वसूल के रहूंगा। सरकार, पर दया कीजिए सरकार। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं गया हूं मैं। मेरे पास आपको देने के लिए आज कुछ भी नहीं है, पर दे दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। एक दिन भी नहीं। अभी के अभी, नहीं तो तेरा ये घर मैं जब्त कर लूंगा। साई, अब मैं क्या करूं? अब जब मैं सुधर चुका हूं तो मेरे परिवार के सर से छत छीनी जा रही है। काशीनाथ, इस फकीर के शरण में गया था ना तू? इसकी बात मानकर तू काम पे नहीं गया, अब भुगत।
सरकार, ये साफ समझ आ रहा है आप ये सब सिर्फ साई को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपकी नाराजगी इसी बात से है ना, केस की लत आपकी औषधि से नहीं साई की मदद से छूटी है। नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो काशीनाथ का अपने परिवार के प्रति प्यार था, इन्हें खोने का डर था, जिसने इसे ठीक किया है। कुछ ठीक नहीं हुआ है ये। ये फकीर हम सबको मूर्ख बना रहा है कि काशीनाथ की शराब की लत छूट गई है। ए, तू दुनिया को मूर्ख बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं ये फिर से शराब पीने लगेगा और पैसे नहीं है इसके पास। मेरा तो अंदेशा है कि शराब के लिए ये अपना घर भी बेच देगा। और इसने अगर अपना घर बेच दिया तो मेरे तो पैसे डूब गए। मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आज ही मैं अपने पैसे वसूल के रहूंगा। चल मेरे पैसे दे, नहीं तो इस घर के बाहर निकल। और याद रख, इस फकीर के कारण तू खुले आसमान के नीचे आ जाएगा। परेशान मत हो काशीनाथ, मैं अभी जाकर तात्या के बाबा से बात करती हूँ। आज शाम तक हम पैसे इकट्ठा करके आपको लौटा देंगे। भाई साहब का शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं काशीनाथ? मुझे पता था। काशी के सर से छत छीनकर मैं गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जब भी कोई मेरे कट्टर शत्रु फकीर पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके साथ मैं क्या करता हूं। देख क्या रहे हो, निकाल फेंको इसके घर से सारा सामान। जी सरकार, चलो जाओ। नहीं सरकार। प्रणाम साईं। साईं, आपने मुझे याद किया। हाँ जोशी जी, बेटे की शादी से पहले अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करानी है ना आपको? हाँ
हाँ साई, पर आपको कैसे पता? मैंने तो आपको नहीं बताया, वो तो मेरे मन में ही था। घर की अंदरूनी हालत बहुत बुरी है साई। घर की मरम्मत और नए कमरे बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर की तलाश है मुझे, पर कोई ढंग का कारीगर मिल ही नहीं रहा है। जोशी जी, यू समझिए आपकी तलाश पूरी हो गई। आपने काशीनाथ का हुनर देखा है, आप वो काम इसे क्यों नहीं दे देते? इसे एक मौका दीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं आप निराश नहीं होंगे। साईं, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था काशीनाथ के हुनर को, उसकी कारीगरी को। और जब आप कह रहे हैं साईं, तो शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। काशीनाथ, क्या तुम मेरे घर के मरम्मत का काम करोगे? शुक्रिया जोशी जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इससे पहले मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं दी गई, लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। एक बात और, कुछ दिन पहले तक मुझे शराब की बुरी लत थी, जो साई के आशीर्वाद से छूट गई। अगर आप मेरे अनुभवहीनता या मेरे अतीत के कारण किसी और को काम पर रखना चाहते हो, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे, जी जान झोंक दूंगा। काम की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करूंगा। काशीनाथ, कुछ देर पहले साईं के कहने पर मैं तुम्हें काम दे रहा था, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देख के मुझे यकीन हो गया कि ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। शुक्रिया जोशी जी। अगर तुम लोगों की नौटंकी पूरी हो गई हो, तो चलो यहां से अपना अपना रास्ता ना पहुंचाओ। और काशीनाथ, चल अब मेरा हिस्सा पूरा कर। तूने मेरा ऋण नहीं चुकाया है, इसलिए अब तेरा घर मेरा। चल इस घर से बाहर निकल, चल। ऋण? हाँ, इसने मुझसे ऋण लिया है पूरे 200 रुपए, इसलिए इसके घर को मैं अपने अधिकार में ले रहा हूं जोशी जी। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, होगा तो गलत होगा। जो इंसान मेरा घर बनाएगा, मैं उसे बेघर नहीं होने दूंगा। काशीनाथ, Thank you.
ये लो, ये पूरे 250 रुपए हैं। लो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये पेशगी है तुम्हारे काम की। इन पैसों से अपना कर्ज चुका दो, बाकी के पैसे से घर चलाना, ठंडे नौमी तक सारी व्यवस्था करके रखो। मैं चाहता हूँ उसी दिन पूजा के बाद घर के काम का भी शुभारंभ हो। शुक्रिया जोशी जी। ये लीजिए सरकार। अच्छा साईं, अब आज्ञा दीजिए मुझे। राम जी भला करें। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। आपने तो जैसे जादू की छड़ी घुमा दी, सब ठीक हो गया। जादू की छड़ी मैंने नहीं, तुमने घुमाई है काशी, अपने हुनर, अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई से। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब काकी, एक और चीज हो जाए तो सच में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे गांव से वैद्य को अब तक आ जाना चाहिए था, और ज्यादा देर हुई तो भोला की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। भोला ठीक हो गया बाबा, और मैं भी। शराब छोड़ दी है मैंने, पर आप जानते हो मुझे एक नया काम मिला है, अब मैं नालायक नहीं रहा। नई शुरुआत कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको वैसा ही बेटा बनके दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। ये तो हमेशा सुनते आए, लेकिन हमेशा परिवार की नाक कट ली है। तुमने ठीक कहा मोरेश्वर, रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है तुम पर किसी को भी।
संकल्प लेने में और उसका निर्वाह करने में जितना अंतर होता है, उसको तुम आज तक मिटा ही नहीं पाए। तो चार दिन में शराब पीना फिर से शुरू हो जाएगा, जो काम मिला है वो भी छोड़ दोगे। यही किया है तुमने पहले भी और यही इस बार भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, ये नहीं सुधरने वाला। नहीं बाबा, मैं सच में बदल गया हूं। मैं आपको मोरेश्वर राजा जैसा लायक बन के दिखाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना मोरेश्वर के साथ करने की? कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? इसके परछाई के साथ भी खड़ा होने के लायक नहीं है तू। जितना मेरा मोरेश्वर होनहार है उतना ही तू नालायक। वो दिन है तो तू काली रात। बाबा मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदल गया हूं? ये क्या बदल गया लगा रखा है? काबिलियत और जिम्मेदारी का एहसास इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, जो तुझमें कभी थी ही नहीं। इसीलिए बाबा तुझसे हमेशा नाराज रहते। बचपन से लेके आज तक तूने हमेशा बाबा को निराश किया है और भविष्य में भी करता रहेगा, ये हम सब जानते हैं। देख, तुझे कुल का कलंक समझ के नियति मान ली है बाबा ने, इसलिए तू जा यहां से। अब अगर जिंदगी में कुछ सुधार कर सका, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सका तो वही बहुत है। इस घर का नाम रोशन करने की अपेक्षा मत कर, क्योंकि वो तेरे बस में है नहीं। आ गया। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कुछ तो बोलिए। मैं हार गया रेनू, अपने घर वालों से हार गया। साईं, आप जो बात बोल रहे हैं मैं उन बातों से बिल्कुल सहमत हूं। क्या मैं जाकर उन्हें सूचित कर दूं? नहीं मालसपति जी, उसकी जरूरत नहीं है। राम साईं। राम जी भला करें। साईं, जैसा आपने कहा था मैं तीनों को साथ लेकर आया। साईं, आपने हमें यहां क्यों बुलाया, वो भी इसके साथ? क्योंकि मेरा आप तीनों से कुछ काम है। इसी संदर्भ में मैं मालसापति जी से विचार विमर्श कर रहा था। बल्लाल जी, इस बार खंडे नवमी की पूजा में हम शिवलिंग पूजन भी करने वाले हैं। चूंकि पूजा का मान आपके घर का है, हम चाहते हैं कि शिवलिंग का निर्माण भी आपके दोनों बच्चों के शुभ हाथों से हो। दोनों? लेकिन क्यों साईं, पूजा तो मोरेश्वर के हाथों से ही होनी है।
और वैसे भी पूजा के लिए तो एक ही शिवलिंग चाहिए ना, क्यों मासापति जी? बल्लाल जी, आप अपने बेटों में फर्क कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों में फर्क कैसे करे? इसलिए शिवलिंग बनाने का अवसर दोनों को मिलेगा और पूजा भी दोनों शिवलिंगों की होगी। ठीक है साईं। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ले जाइए। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए? साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। शुक्रिया साईं। राम साई। राम जी भला करें। साई, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई, एक ही पूजा में दो दो शिवलिंग? खाना खा लीजिए, बाद में खाऊंगा, लेके जा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए फिर बना लीजिएगा। बोला ना बाद में खाऊंगा, लेके जाओ अभी जाना। चलो बन गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।